सभी को नमस्कार। आज हम स्कूल जाने वाले बच्चों में होने वाले तरह तरह के आंखों की बीमारियों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बीमारी के बारे में जानकारी और उचित समय पर उसका इलाज ही आप सबसे प्रमुख चीजें हैं जिसकी वजह से आप आंखों को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले यह जानना की कोशिश करेंगे कि आंखें देखती कैसे हैं। हमारी आंखें कैमरे की तरह होती हैं और आंखों में जो भी हम देखते हैं उसकी प्रतिछाया पर्दे के पिछले हिस्से पर, जिसको हम मैक्यूला कहते हैं, वहां पर बनती है और यह इमेज उल्टी होती है। यह इमेज जो है आंखों में करीब 13 लाख नर्व कोशिकाएं होती हैं। उन नर्व कोशिकाओं के माध्यम से यह मैक्यूला, जो कि आप जैसा इस फोटो में देख रहे हैं, वहां से ये सारी नर्व कोशिकाएं आंख के बगल में जो नस है, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, उसमें इस तरीके से जाती हैं। सारी जो भी आंखों में प्रतिबिंब बनता है वो नस की तरंग में बदलकर इस तरीके से नसों में चला जाता है और वह नस सारी आपके इंफॉर्मेशन को लेकर ब्रेन तक जाती है। ब्रेन के पिछले हिस्से में विजुअल कॉर्टेक्स होता है, वहां से हमको सारा कुछ दिखाई देता है। वह आपकी देखने वाली इमेज को सीधा करता है, दूसरी आंख के इमेज के साथ फ्यूज करता है, तब जाके एक 3D इमेज का निर्माण होता है जिससे हम देख सकते हैं, जिसका एक फील्ड ऑफ विजन होता है, जिससे हम रंग देख सकते हैं, जिसमें एक डेप्थ परसेप्शन होता है। तो दृष्टि के ये तरह तरह के आयाम जो हैं दोनों आंख और ब्रेन के एक संयुक्त कार्यक्रम की तरह काम करते हैं। और जब बच्चे पैदा होते हैं तो यह सारा कुछ डेवलप नहीं होता है, वह धीरे धीरे अगले 5-6 सालों में यह जाके पूरा डेवलप होता है कि दिमाग से और ब्रेन तक का सारा सर्किट का डेवलपमेंट में शुरुआती 5-6 साल लगते हैं। और ब्रेन के पिछले हिस्से में यह विजुअल कॉर्टेक्स या विजन सेंटर प्रेजेंट रहता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरू के 5-6 साल में यह विकास धीरे धीरे होता है, तो इसलिए नवजात बच्चे को सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता, वह सिर्फ रोशनी देखता है, थोड़ी बहुत आकृतियां उसको समझ में आती है। इसलिए नवजात बच्चा किसी की भी गोद में चला जाता है। जब एक बार उसको थोड़ा समझ में आने लगता है तो फिर वो अपनी माँ को या जिनको पसंद करता है उन्हीं के गोद में रहना चाहता है। धीरे धीरे उसे रंग समझ में आने लगते हैं तो वो रंगों की तरफ आकृष्ट होता है, जबकि शुरू में वो सिर्फ आवाज वाले खिलौनों की तरफ आकृष्ट होता है। और इसी तरह यह धीरे धीरे उसके दृष्टि जो है इम्प्रूव होती जाती है और 5-6 साल तक होते होते ये करीब करीब 80-90% पूरा हो जाता है। और हम ऐसा साइंस में मानते हैं कि 8 साल की उम्र तक दृष्टि का यह सारा सर्किट पूरा हो जाता है। दूसरी बात, आंखें बहुत जरूरी इसलिए भी हैं क्योंकि हम जो इस दुनिया में सीख रहे हैं वो 80% आंखों की वजह से है। जो हम देख रहे हैं वो हम सीख रहे हैं। अब कैसे पता लगेगा कि आपके बच्चे को दिखाई कम दे रहा है? क्योंकि जिस बच्चे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा उसको तो आप समझ लेंगे, बिकॉज वो घर में इधर उधर टकरा रहा होगा, उसके हाव भाव से आपको पता लग जाएगा इसको नहीं दिख रहा है। लेकिन जिन बच्चों को कम दिखाई देता है वो अक्सर छूट जाते हैं, खासकर वो जरूर छूट जाते हैं जिनके एक आंख से तो पूरा दिखाई दे रहा हो, दूसरी आंख से अच्छा नहीं दिखाई दे रहा हो। तो ये कुछ संकेत हैं जिनको दिमाग में रखें, और अगर आपके बच्चे या आपके अगल बगल किसी बच्चे को इस तरह का लगे तो आप उनको तुरंत आंखों के डॉक्टर के पास भेजें। जैसे बार बार आंख मटकना, झपकना, आंखों को बार बार मलना और शॉर्ट अटेंशन स्पैन, मतलब वो थोड़ी देर पढ़ने के बाद वो भागना चाहेगा बिकॉज उसको दिख नहीं रहा है। तो माँ बाप असल में ये समझ लेते हैं कि इसको पढ़ने का मन नहीं है, असल में उसको दिख नहीं रहा है। ऐसे बच्चों को भी जरूर चेक कराएं। अगर वो नज़दीक का काम करने से बचना चाह रहा है, पढ़ने से बचना चाह रहा है, बार बार वो सरदर्द की शिकायत कर रहा है, एक आंख बंद करके पढ़ना चाह रहा है, या गर्दन को एक तरफ झुकाकर कुछ टेढ़ा करके हर बार देखने की कोशिश करता है, या पढ़ते समय वो बहुत नज़दीक जाके पढ़ने की कोशिश करता है, या उसकी एक आंख अंदर बाहर ऊपर नीचे किसी तरफ घूम रही हो, जिसको भेंगापन कहते हैं, या वो ये बता रहा हो कि मुझे दो दो दिख रहा है, ये सब कुछ संकेत हैं जिससे यह पता लगता है कि बच्चों में कुछ दृष्टि संबंधी रोग है जिसके लिए एक डॉक्टर की जरूरत है। दूसरे दो बातें और, जैसे वो पढ़ते समय पेस, इसका स्पीड स्लो हो जाना, कई बार यह इस वजह से होता है क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा, पूरा नहीं दिखाई दे रहा, तो इस वजह से भी वो पेस स्लो हो जाता है उसका, वो पढ़ने की स्पीड कम हो जाती है। दूसरा कि वो जो भी पढ़ रहा है उसको याद नहीं हो रहा, ये भी एक कारण है कि उसको शायद दिखाई नहीं ढंग से दे रहा हो बिकॉज वो पढ़ ना पा रहा हो। तो ये सब कुछ संकेत हैं जिनसे आप यह अनुमान कर सकते हैं कि शायद उसे आंख की समस्या है, और एक बार डॉक्टर को दिखाने में उस उम्र में कोई हर्ज भी नहीं है।
दूसरी बात, आंखों में होने वाले स्कूल के बच्चों में विकार में चश्मे की कमी सबसे ज्यादा कॉमन है और यह भारतवर्ष में और दुनिया में सबसे ज्यादा होने वाला नेत्र का रोग है जिसको हम रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं। रिफ्रैक्टिव एरर यानी चश्मे की कमी। रिफ्रैक्टिव एरर मुख्यतः तीन प्रकार का है। एक होता है मायोपिया, जिसमें आंख नॉर्मल से थोड़ी लंबी हो जाती है, तो उसके लिए हम माइनस नंबर के चश्मे देकर उस विकार को ठीक करते हैं। दूसरा होता है हाइपरोपिया, इसमें आंख नॉर्मल से थोड़ी छोटी हो जाती है, इसमें हम प्लस के नंबर देकर उनको ठीक करते हैं। और तीसरा होता है एस्टिगमेटिज्म। एस्टिगमेटिज्म यानी कि जिसमें सिलिंड्रिकल नंबर लगते हैं, ये भी एक तरह का रोग का रिफ्रैक्टिव एरर का प्रकार है। इसमें आगे कॉर्निया जो है उसका शेप थोड़ा नॉर्मल नहीं रहता, इस वजह से आता है। यह कोई ज्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है जैसा कि सब लोग मानते हैं। जिस प्रकार से बहुत अधिक लंबे होना और बहुत अधिक छोटे होना दोनों ही गड़बड़ है, उसी तरह से ये मायोपिया, हाइपरोपिया, एस्टिगमेटिज्म तीनों ही एक प्रकार से गड़बड़ है, कोई बहुत ज्यादा या कम नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा मायोपिया यानी कि बहुत ज्यादा लंबी आंख, बहुत ज्यादा हाइपरोपिया यानी बहुत ज्यादा छोटी आंख, और बहुत ज्यादा एस्टिगमेटिज्म यानी कि बहुत ज्यादा कॉर्निया का तिरछापन आपके कुछ अलग बीमारियों के संकेत हो सकते हैं, और इन आंखों में कुछ अलग बीमारियां भी हो सकती हैं। तो ऐसे के लिए डॉक्टर से नियमित संपर्क में रहना बहुत जरूरी है। नियर साइटेडनेस यानी कि मायोपिया यानी जिसमें आंख लंबी होने की बीमारी होती है, यह आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि 2050 तक करीब 50% बच्चों को यह बीमारी होने का अंदेशा है। ये हम साउथ ईस्ट एशियन लोगों में, हम जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं, ये साउथ ईस्ट एशियन लोगों में होने की संभावना ज्यादा है। और इसके कारण मुख्यतः दो बताए गए हैं, जो अभी तक का रिसर्च हुआ है उसमें सिर्फ दो कारण सबसे ज्यादा प्रमुखता से सामने आ रहे हैं, और वो हैं लगातार नजदीक का काम करना। आजकल सबकी हाथ में स्मार्टफोन है, यूट्यूब है, इंटरनेट है, और नजदीक काम करने का सिलसिला तब तक खत्म नहीं होता जब तक या तो डाटा पैक खत्म ना हो जाए या बैटरी खत्म ना हो जाए। दूसरा कि हम सारा समय क्योंकि इन डिवाइसेस पे देते हैं, हम आउटडोर एक्टिविटी कम कर देते हैं, तो इन दोनों की वजह से मायोपिया होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। जब स्मार्टफोन का आविष्कार नहीं हुआ था तब मायोपिया होने का खतरा 5-10% बच्चों को था, आज यह बढ़कर करीब 35% हो गया है, और जैसा मैंने आपको पहले बताया 2050 तक इसका 50% होने का चांस है। तो इसके लिए, क्योंकि यह समस्या अब विकराल रूप धारण कर रही है, तरह तरह के डॉक्टर्स ने स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए उसके विषय में गाइडलाइन जारी करी है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियंस, जो अमेरिका के बाल रोग विशेषज्ञों का एक रिसर्च ग्रुप है, उन्होंने हर साल एक गाइडलाइन जारी करते हैं कि कितना बच्चों को देखना चाहिए। उसके हिसाब से 18 महीने या 1.5 साल के छोटे बच्चों को बिल्कुल कोई भी स्क्रीन नहीं दिखाना चाहिए, न टीवी, न मोबाइल, न आईपैड, न लैपटॉप। 18 महीने से 2 साल के बच्चों में बहुत कम उसको दिखाना है, और अपने आप कोई पेरेंट खड़े वहां पर रहें तभी वो देखें तो ज्यादा अच्छा है। आजकल जनरली टेंडेंसी ऐसी होती है कि बच्चे को फोन देके माँ बाप सोचते हैं कि थोड़ा वो बिजी हो जाएंगे और हम अपना काम कर लेंगे। ये एक गलत आदत है जो कि बाद में उनके आंख के रोग में परिवर्तित हो सकती है। 2 से 5 साल के बच्चों में आप दिन के 1 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम न करें, उससे उनको चश्मा लगने का खतरा होगा, और भी आंखों की समस्याएं होने का और शरीर में और भी समस्याएं होने का खतरा होगा। और जैसा कि पहले भी और 5 साल के बच्चों तक भी आप वहां पर रहें, देखें कि वो क्या देख रहे हैं, उनको कुछ हाई वैल्यू एजुकेशनल कंटेंट दिखाएं। आजकल बहुत सारे कार्टून रहते हैं जिसमें ABCD 1 2 3 4 एनिमल्स, कलर्स, ये सब बताते हैं, वो दिखाएं, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा नहीं। 6 साल और उससे ऊपर के बच्चों को आप यह जरूर ध्यान रखें कि वो मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड के साथ अपनी नींद न कम करें, अपना आउटडोर एक्टिविटी न कम करें, या उनमें और किसी तरह के बदलाव अगर आपको दिखें जो इसकी वजह से हो रहे हैं, जैसे इंटरनेट पर आजकल बहुत तरह का मटेरियल अवेलेबल है, तो उसकी वजह से बच्चे सेक्सुअल बिहेवियरल इस तरह के बहुत सारे चेंजेस उनमें होने लगते हैं, तो आपने यह एक नजर रखनी जरूरी है। तीसरा, बड़ों में भी बच्चों की तुलना में कुछ दूसरे तरह के बदलाव होते हैं जो कि आपके
इसकी वजह से होने का चांस होता है मोबाइल ज्यादा देखने की वजह से, उसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं। किसी भी स्क्रीन पर 2 घंटे से ज्यादा काम करने से कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होने का खतरा होता है। इसी का दूसरा नाम डिजिटल आई स्ट्रेन है। इसके सिम्टम्स मुख्य समस्या है इसमें सर दर्द होना, थकान लगना, आंखों का सूखापन होना जिसमें आंखें भारी भारी लगेंगी, दर्द होंगी, और ब्लरी दिखना, मतलब वो स्पष्टता के साथ नहीं दिखाई देना, ऐसा इसके सिम्टम्स होते हैं। साथ में कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में कन्वर्जेंस इनसफिशियंसी भी होने का खतरा होता है, जिसमें आप नजदीक देखने में आपको शुरू में अच्छा दिखाई देगा, थोड़ी देर बाद ब्लर हो जाएगा, फिर आप आंख बंद करके थोड़ा रेस्ट करके खोलेंगे तो ठीक हो जाएगा। और तीसरा जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में समस्या है वो है गर्दन और कमर का दर्द, क्योंकि जब आप लैपटॉप पर और डेस्कटॉप पर गलत पोस्चर में बैठते हैं तो ओवर द ईयर्स ये भी होने का खतरा होता है। तो इसीलिए इन सब पर ध्यान रखें, क्योंकि कंप्यूटर के बिना अब तो जीवन असंभव सा है, लेकिन उसको सही ढंग से यूज करेंगे तो आपके स्वास्थ्य पर उसका असर नहीं पड़ेगा। तो कैसे डिजिटल आई स्ट्रेन को आप कम कर सकते हैं? सबसे जरूरी है 20-20-20 रूल। जैसे 20-20 क्रिकेट है, उसी तरह से यह है 20-20-20, मतलब हर 20 मिनट पर 20 सेकंड के लिए 20 फिट दूर देखना है। इससे आंखों को बीच बीच में आराम मिलता रहेगा और वो आपको ज्यादा देर तक आप बिना अपनी आंखों को परेशान किए काम कर सकते हैं। दूसरा, अपने कंप्यूटर और फोन पे ब्राइटनेस को कम रखें। तीसरा, कि दूरी से देखें, कंप्यूटर का स्क्रीन तो दूर होना ही चाहिए, मोबाइल आप कम से कम देर इस्तेमाल करें, बिकॉज उसके उसकी वजह से नींद में भी समस्याएं होती हैं। और रात को जितने बजे भी आपका सोने का समय है उसके 1 घंटे पहले मोबाइल बंद कर दें। मोबाइल से ब्लू लाइट निकलती है, सारे स्क्रीन से ब्लू लाइट निकलती है, हमारे जो घरों में एलईडी बल्ब्स हैं उनसे एलईडी लाइट उनसे ब्लू लाइट निकलती है। यह ब्लू लाइट जो है दिमाग में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड, उसको एक्साइट करता है। उस ग्लैंड को एक्साइट होने से वह ग्लैंड आपको सोने वाला हार्मोन जिसका नाम मेलाटोनिन है वह सिक्रीट नहीं होने देता। तो मेलाटोनिन का सिक्रीशन नहीं होने से आपको नींद नहीं आती, तो आप देर रात तक मोबाइल पर लगे रहते हैं और आखिर जब शरीर थक जाता है फिर आप सोते हैं, लेकिन वह नींद जो है बहुत गाढ़ी नहीं होती, बहुत डीप स्लीप नहीं होता। तो इसकी वजह से सुबह आप चिड़चिड़े रहेंगे, आपका अटेंशन स्पैन कम रहेगा, आप जो है एक्सीडेंट के लिए प्रोन हो जाते हैं। तो इसीलिए सोने का जो भी समय आप निर्धारित कर रहे हैं उसके 1 घंटे पहले मोबाइल बंद कर दें ताकि अच्छी नींद आए। नींद के रात की नींद में 2 साइकिल डीप स्लीप के होते हैं, वो डीप स्लीप होना बहुत ज़रूरी है, उसी में हमारा पूरा ब्रेन रिलैक्स होता है, हमारी मेमोरी जो है वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में शिफ्ट होती है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो इसलिए एक अच्छी नींद अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा, अपने जहाँ भी आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर के लाइट वाइट थोड़े डिम रखें, और बहुत सारे आजकल ऐप्स आ गए हैं जिसको आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं जिससे वो ब्लू लाइट को फिल्टर आउट कर देगा। आप फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा रखें ताकि आंख में देखने में असर ना हो, और आजकल बहुत सारे कंप्यूटर ग्लासेस आते हैं जिसमें बेसिकली एंटी ग्लेयर कोटिंग होनी चाहिए और यूवी लाइट कोटिंग होनी चाहिए, इन दोनों कोटिंग की वजह से आंखों पे थोड़ा असर कम होता है। तो जैसा मैंने बताया, स्क्रीन टाइम और अपने स्वास्थ्य का बहुत बड़ा दोनों में रिश्ता है। स्क्रीन टाइम को जरूर लिमिट करना है। स्क्रीन टाइम ज्यादा रखने से फिजिकल फिटनेस आपके खराब होता है, मोटापा बढ़ने का शिकायत होता है, रोशनी कम होती है, तरह तरह के पोस्चर में देखने से आपका मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम हो सकता है, जैसा मैंने बताया गर्दन का दर्द, कमर का दर्द। आजकल हर मोबाइल फोन में लोग गाने रखते हैं, स्पीकर लगा के हेडफोन लगा के कान में सुनते हैं, उसकी वजह से हियरिंग का इश्यूज है। आजकल ड्रिंक एंड ड्राइव से ज्यादा डिस्ट्रैक्ट एंड ड्राइव का जमाना हो गया है, जितने एक्सीडेंट शराब पी के गाड़ी चलाने से नहीं हो रहे उससे ज्यादा एक्सीडेंट हाथ में फोन लेके गाड़ी चलाने की वजह से हो रहे हैं, बिकॉज आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, आपका ध्यान सड़क पर नहीं है और एक्सीडेंट हो रहा है। फोन लेकर हम बाथरूम में जाते हैं, फोन लेकर हम हर जगह जाते हैं, और उसी हाथ से हम फोन छू रहे हैं, उसी हाथ से हम आंखें छू रहे हैं, और इस तरह से वो फोन के ऊपर देखा गया है कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो है धीरे धीरे रहते हैं, बिकॉज हम अपना शरीर तो साफ कर लेते पर फोन तो नहीं नहाता, तो उस पर गंदगी जमा होती जाती है। दूसरा है कि आजकल बहुत रिसर्च चल रहा है कि ये जो फोन से रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं उसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर होने का खतरा है। बहुत सारे रिसर्च के शुरुआती रिजल्ट्स में ऐसा पता लग रहा है कि ये जो है ये काफी सीरियस इशू है कि इस तरह के लोगों में
ये ट्यूमर का रिस्क ज्यादा है जो ज्यादा फोन पे बात कर रहे हैं, तो इसलिए ब्लूटूथ डिवाइसेज या हेडफोन का यूज करिए, फोन को सर से बहुत देर सटा के नहीं रखिए। तीसरा, अगला जो इसमें प्रॉब्लम है वो है एडिक्शन का। थोड़े थोड़े देर में फेसबुक चेक करना, व्हाट्सएप चेक करना या फोन देखना कि कोई, तो ये एक एडिक्शन हमेशा नुकसानदेह होता है, बिकॉज आप जो है अपना सारा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है और आप अपना फोकस से हट के इस फोन में लगे रहते हैं। छोटे बच्चों के लिए खासकर ये साइबर बुलिंग आजकल काफी हो गया है, उनको कोई तरह तरह के सोशल मीडिया साइट्स पे लोगों से उनकी दोस्ती होती है, फिर उनको वो तरह तरह से भड़का सकते हैं, भ्रमित कर सकते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लर्निंग में भी स्मार्टफोन का बहुत बड़ा रोल है। वो जो है एक मायावी दुनिया में आपको जीने का, उसी को रियलिटी समझने का जैसा क्रिएट कर देते हैं। सोशल डेवलपमेंट पे असर पड़ता है, बच्चे एक दूसरे से मिक्स नहीं होते, एक दूसरे से बात नहीं करते। आजकल तो ये जमाना है कि आप रेस्टोरेंट में जाइए, हर आदमी अपने फोन पे लगा है, कोई बात नहीं कर रहा। किसी पार्टी में जाइए, सब लोग फोन में होते हैं, एक दूसरे से सोशल इंटरेक्शन नहीं होता। स्लीप डिप्राइवेशन मैंने बता ही दिया आपको। ऑनलाइन सेक्सुअल रिस्की बिहेवियर, ये भी टीनेज बच्चों में बहुत कॉमन है। उस समय हॉर्मोन्स सर्ज कर रहे होते हैं और ऑनलाइन साइट्स पर वो तरह तरह के वीडियोस देख रहे होते हैं, और एक ये बहुत ही सोशल प्रॉब्लम इसकी वजह से हो रहा है। एग्रेसिव बिहेवियर भी एक बहुत प्रमुख कारण है जो कि स्मार्टफोन के यूजेस से बच्चों में देखने को मिल रहा है। तो बच्चे बच्चों को चश्मा अगर लगने को बताया गया है, तो उनको बच्चों को चश्मा क्यों लगाना है, क्या चश्मे के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं होता? तो सबसे पहली बात, अगर डॉक्टर ने यह कहा है कि आपको चश्मे की कमी है, तो उस कमी को चश्मा ही पूरा कर सकता है, वो किसी दवाई से नहीं ठीक हो सकती। ये दिमाग में बिल्कुल बात फिट कर लीजिए। और शुरू के 5-6 साल, जैसा मैंने बताया कि आंखों का विकास हो रहा है, तो उस दौरान तो आपने जरूर चश्मा लगाना है। नहीं तो अगर एक बार ये आंख का विकास पूरा हो गया, उसके बाद आप चश्मा लगाएंगे भी तो भी वो रोशनी वापस नहीं आएगी। तो इसीलिए बड़ों से बच्चों में यह चीज अंतर हो जाती है, उनको चश्मा दवा की तरह काम करता है। छोटे बच्चों में चश्मा जो है दवा की तरह काम कर रहा है। शुरू के 5-6 साल चश्मा आपके डॉक्टर ने बताया है तो जरूर लगाना है, हर 6 महीने में चेक कराना है, बिकॉज नंबर बदलता जाता है, और सही नंबर का चश्मा आपने लगाए रखना है। बच्चों में मुख्यतः 4 कारण से हम चश्मा देते हैं। सबसे पहला कारण है कि उनको चश्मे की कमी है, चश्मा लगाने से अच्छा दिखता है। दूसरा है कि कई बार उनकी आंखें टेढ़ी हो रही होती हैं, भेंगापन जिसको कहते हैं, स्क्विंट या स्ट्राबिस्मस, इसके उपचार में भी चश्मे का रोल है। कई बार वो चश्मा लगाने से ही आंख सीधी हो जाएगी। तीसरी जो एक बहुत गड़बड़ बीमारी है जिसका नाम है एम्ब्लायोपिया, जैसा मैंने बताया कि शुरू के 5-6 साल जो है आंखों का सर्किट का डेवलपमेंट हो रहा है जो ब्रेन से आंख तक आ रही है। कई बार आंखों को अच्छा नहीं दिखता तो ब्रेन का वो हिस्सा ही नहीं बन पाता जहां से हम देखते हैं, तो उसके लिए उस बीमारी को एम्ब्लायोपिया कहते हैं। उसमें भी शुरू में हमने उस आंख को पूरा दिखाना है ताकि वो डेवलप हो जाए 5-6 साल की उम्र में, जो भी उसका डेवलपमेंट रिकवर होना है। उस बीमारी को एम्ब्लायोपिया या लेजी आई कहते हैं। आंख आलसी हो जाती, देखना नहीं चाहती, और ब्रेन जो है उसको देखने के हिस्से से अलग कर देता है, तो आंख टेढ़ी होने का खतरा होता है। और चौथा कारण जिस वजह से हम बच्चों को चश्मा देते हैं, वो इसलिए कि मान लीजिए किसी बीमारी, किसी कमी से उनकी एक आंख नहीं है, तो हम कम से कम दूसरी आंख को बचा के रख सकें। आजकल ऐसे शीशे आते हैं जो बिल्कुल शैटर प्रूफ होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो दूसरी आंख को चोट लगने से बचाएंगे और एक तरह से आंखों का हेलमेट के जैसा काम करेंगे। तो सबसे पहले बहुत सारे माँ बाप जब अपने बच्चों को लेके आते हैं तो उनका एक ही सवाल होता है कि मेरा बच्चा तो इतना छोटा है, ये चश्मा कैसे लगाएगा, अभी तो क्या ही उम्र है इसकी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत छोटे बच्चे भी चश्मा लगाते हैं और वो खुशी से लगाते हैं। आप इनके चेहरे पे खुशी देख रहे हैं, तो क्योंकि उनको दिखाई नहीं दे रहा बिना चश्मे के, और वो जब चश्मा लगाते हैं तो उनको अच्छा दिखाई देता है, वो दुनिया ढंग से देख सकते हैं। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैंने पहले भी बताया कि शुरू के 5-6 साल तो चश्मा लगाने की जरूरत बहुत ज्यादा है, बिकॉज उस समय आंख और ब्रेन का पूरा सर्किट डेवलप हो रहा है। जब आप अपने बच्चों के लिए पहला बार चश्मा लेने जा रहे हैं या जब भी चश्मा लेने जा रहे हैं, कुछ चीजों का ध्यान रखें। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको जानकारी हो कि इस तरह की चीजें हैं, नहीं तो जब जानकारी नहीं होती तो आप ढूंढेंगे नहीं, और आपको उसके वजह से जो परेशानी हो रही है उसकी वजह से हो सकता है आप चश्मा लगाना ही बंद कर दें। तो सबसे पहले तो अपने बच्चे को जो भी कलर स्टाइल जो भी पसंद है उस पसंद का चश्मा दीजिए। अपनी पसंद का चश्मा रहने से उसको लगाने का मन करेगा। दूसरा, उसको ऐसा चश्मा दीजिए
जिसमें वो खूबसूरत दिखे, कम से कम उसको ऐसा लगे कि नहीं मैं इसमें सुंदर दिख रहा हूं, तो वैसा चश्मा वो बार बार लगाएगा। दूसरा, जो फ्रेम का मटेरियल होता है वो मेटालिक फ्रेम जनरली नहीं दीजिए बच्चों को, उसकी वजह से नाकों पर गड्ढे पड़ने का चांस होता है, फ्रेम टेढ़े हो जाते हैं बिकॉज बच्चे जो हैं उसको थोड़ा रफ हैंडल करते हैं। आजकल शीट फ्रेम्स और एनआर फाइबर फ्रेम्स आते हैं जो जो कि बहुत मजबूत होते हैं, हल्के होते हैं, दाग नहीं छोड़ते। दूसरा कि वो आप पूरा घुमा दीजिए फिर भी टूटेंगे नहीं और वापस उसी जगह पर आ जाएंगे जहां पर वो थे, तो इसकी वजह से वो टेढ़े नहीं बने रहते। तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है वो है फ्रेम का साइज। बच्चों के चश्मे के शीशे जो हैं वो बड़े होने चाहिए ताकि हर समय बच्चे उसके थ्रू से देखें। छोटे शीशे वाले चश्मे जनरली लटक जाते हैं, नाक पे नीचे हो जाते हैं और फिर बच्चे जो हैं चश्मे के ऊपर से देखना शुरू करते हैं। चौथी बात है लेंस किस तरह का हो। पहले तो सिर्फ ग्लास के लेंस आते थे, आजकल प्लास्टिक के लेंस आते हैं, फाइबर लेंस आते हैं, बहुत तरह का, बहुत इसमें विकास हो गया है, तरह तरह के लेंस हैं। पर बच्चों के लिए जनरली MR8 और CR39 लेंसेज जो हैं अच्छे होते हैं, वो लाइट वेट होते हैं, वो ज़्यादा महंगे नहीं हैं, वो स्क्रैच रेजिस्टेंट होते हैं और वो शटर रेजिस्टेंट भी होते हैं, मतलब वो गिरने से टूटते नहीं हैं। उस पर आप बच्चे ढंग से नहीं रखेंगे तब भी स्क्रैचेस कम पड़ते हैं बाकी लेंसेज की अपेक्षा। और दूसरा, अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा नंबर है, जैसे -10 हो गया, -6 हो गया, तो ऐसे जितना ज़्यादा नंबर होता है ग्लास उतना मोटा होता जाता है। लेकिन हाई इंडेक्स लेंसेज में, हाई इंडेक्स होने की वजह से लेंस का साइज, लेंस का जो थिकनेस है वो पतला हो जाता है, तो वो भारी नहीं होगा, नाक में लटकेगा नहीं। उसके अलावा लेंस पर तरह तरह की कोटिंग की जा सकती है आपके ज़रूरत के हिसाब से, ये बच्चों और एडल्ट्स दोनों के लिए है। तो जैसा आप देख रहे हैं तरह तरह के चश्मे हैं, तरह तरह का लेंस है, ये तरह तरह के लेंसेज के प्रकार हैं। जैसे क्राउन ग्लास जो सबसे पहले चश्मों में यूज होता था, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ 1.5 है और आजकल जो है 1.6, 1.7 तक के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ग्लासेस आ रहे हैं। उसमें क्या होगा, ये लेंस बहुत ही पतला हो जाएगा, मोटा नहीं होगा। उसके अलावा ग्लास गिरने से टूट सकता है, ये पॉलीकार्बोनेट और ट्राइवेट इस तरह के लेंसेज जो हैं ये बिल्कुल नहीं टूटते, बहुत ही शटर प्रूफ होते हैं, इनको हम प्रोटेक्टिव ग्लास की तरह यूज करते हैं। तो इसमें CR39 और MR8, MR जो है वो एक जापानीज कंपनी है, उनके लेंसेज काफ़ी अच्छे होते हैं। उसमें जो MR8 है वो बहुत ही बढ़िया, उन्होंने उसको कॉम्बिनेशन सारे चीज़ों का किया है, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.6 है और वो स्क्रैच रेजिस्टेंट भी है, वो शटर प्रूफ भी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे कम, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, लेंस का थिकनेस छोटा होता जाएगा। जैसे 1.5 में ये इतना मोटा लेंस है, जबकि 1.8 में ये वही पावर का लेंस इतना पतला हो गया। और अब जो है हम लेंस के कोटिंग्स के बारे में बात करेंगे। लेंस में 7 तरह की कोटिंग हो सकती है और ये लेंस के अलग अलग हिस्सों में ये कोटिंग की जाती है, कुछ लेंस के आगे की जाती है, कुछ लेंस के पीछे की जाती है। और ये तरह तरह की कोटिंग्स से आपको तरह तरह के फायदे हो सकते हैं। सारी कोटिंग्स की आवश्यकता सबको नहीं होती, कुछ अपने शौक के लिए है, कुछ अपने जरूरत के हिसाब से है। तो सबसे पहले कोटिंग जो सबसे कॉमन है उसका नाम है AR कोटिंग या ARC कहते हैं, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, या उसको एंटी ग्लेयर कोटिंग भी कहते हैं। ये आगे और पीछे दोनों तरफ की जाती है, इससे आंखों के आगे जो रोशनी की चमक है वो कम हो जाती है। दूसरा, इससे जो है लेंस इनविजिबल हो जाता है, देखने में अच्छा लगता है, उस पर लाइट नहीं उतना चमकता। दूसरा, इसके थ्रू से लाइट आराम से और ज़्यादा पास होती है, तो जिसकी वजह से आपको अच्छा दिखाई देता है। ये देखिए, दोनों में अंतर आपको समझ में आएगा कि रात में जब आप देख रहे हैं तो कैसे आपको एक में हवाई जहाज़ बिल्कुल नहीं दिख रहा है, दूसरे में हवाई जहाज़ काफ़ी अच्छा दिख रहा है, लाइट के चारों तरफ के हैलोज कम है और एक अच्छा विज़न आपको दिख रहा है। वही शीशा, आप नीचे वाला चश्मा देखिए, उसमें शीशा आपको दिख नहीं रहा है, ऊपर वाले में तरह तरह का चमक है। तो ये एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग की वजह से इस तरह से आप अंतर पा सकते हैं। दूसरा होता है स्क्रैच रेजिस्टेंट कोटिंग, हार्ड कोटिंग बोलते हैं, ये बच्चों में हम जनरली रिकमेंड करते हैं बिकॉज वो इधर उधर फेंकते हैं, ढंग से रखते नहीं है, तो उसके वजह से इस तरह से स्क्रैचेज आ सकते हैं, जैसा आप इसमें फोटो में देख रहे होंगे। स्क्रैच आने से फिर उनको अच्छा नहीं दिखाई देगा, फिर आपको जल्दी जल्दी चश्मा बदलना पड़ेगा, तो स्क्रैच कोटिंग से यह फायदा होता है। तीसरा है अल्ट्रावायलेट कोटिंग। अल्ट्रावायलेट रेज जो है आंखों में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न करती हैं, आंखों का सूखा होना, नखूना यानी कि टेरिजियम होना, कैटरैक्ट होना, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन होना, ये सब जो है अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से होता है, ऐसा हमारा साइंस का बहुत सारा रिसर्च कहता है। और ये अल्ट्रावायलेट का जो
जो डोजेज है वो क्यूमुलेटिव है, मतलब धीरे धीरे रोज रोज थोड़ा थोड़ा होते 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 वो आपको ऐसा अंत में इस तरह की बीमारियों पर कर देगा। और पहले तो सूरज ही एकमात्र अल्ट्रावायलेट रेज का सोर्स होता था, आजकल मोबाइल सारे स्क्रीन जो हम देख रहे हैं, लैपटॉप आईपैड, इनसे भी जो रोशनी आ रही है उनमें भी अल्ट्रावायलेट होता है, और जो घरों में बत्तियां लगी हैं एलईडीज उनमें भी अल्ट्रावायलेट होता है। तो इसलिए हमको थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए एक अल्ट्रावायलेट कोटिंग का, लेंस का कोट होने से अच्छा होता है। अधिकतर सनग्लासेस में 100% यूवी प्रोटेक्शन बिल्ट इन आते हैं। जो सबसे पहले इस तरह का चश्मा आया था उसका नाम रे बैन था। रे बैन कंपनी जो है सनग्लासेस बनाती थी, वो अमेरिकन एयरफोर्स के लिए उसने सबसे पहले ग्लासेस बनाने शुरू किए थे, और उसका नाम रे बैन इसीलिए था क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रेज को बैन कर रही थी, आने से बंद कर रही थी। तो ये अल्ट्रावायलेट पेन से आप देखिए, एक दोनों आंख के लेंस पे इन्होंने रिफ्लेक्शन किया, और जो अल्ट्रावायलेट कोटिंग का लेंस है वो बिल्कुल अल्ट्रावायलेट रे को पार नहीं होने दे रहा है। चौथा जो है उसको कहते हैं फोटोक्रोमैटिक कोटिंग। जैसे बच्चों में अगर एलर्जी की समस्या है, एलर्जी का मुख्य कारण डस्ट और सनलाइट है, तो ये चश्मे जो हैं जब धूप में जाएंगे तो ये नॉर्मल क्लियर से बिल्कुल डार्क हो जाएंगे, जैसे कि आप इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं, और ये धीरे धीरे जो है वापस अपने रंग में वापस आ जाएंगे जैसे ही आप इंडोर्स आएंगे। तो और ये अलग अलग कलर में आते हैं, ब्राउन आएगा, ब्लैक आएगा, ग्रीन आ सकता है, तो ये अपने पसंद के हिसाब से लगाया जा सकता है। पांचवा जो है वो एंटी फॉग कोटिंग है। इस बहुत सारे लोगों को यह समस्या होती होगी, जब वो एसी गाड़ी से उतर के बाहर धूप में जाएंगे तो अचानक से उनकी आंखों का चश्मे के आगे एक धुंध सी आ जाएगी, या वो बहुत ठंडी जगह से गर्म घर में आएंगे तो भी इस तरह से होने लगता है। कॉफी पीते समय आंख जो है, आंखों के चश्मे जो है उस पर धुंध आ जाती है। एंटी फॉग कोटिंग से ये नहीं होता, जैसा कि आप इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं, ये गर्म पानी का भाप जो है उसके ऊपर जमा नहीं हो रहा। तो ये सारे रिसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है लेंसेज में, जिससे आप एक बेहतरीन चश्मा बिना अपना लाइफस्टाइल को मॉडिफाई किए कर सकते हैं। छठा है टिंटेड लेंसेज। ये कॉस्मेटिक है, ये बच्चों के लिए जनरली नहीं है, एडल्ट्स जो अपने खुशी के लिए इसको कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं। तरह तरह के लेंसेज आते हैं जिसको आप अपने पसंद के हिसाब से इसमें अपना पावर फिट करा के इसको कर सकते हैं। छठा है मिरर कोटिंग। मिरर कोटिंग उन लोगों के लिए है जिनकी आंखों में कुछ माड़ापन है या दाग है, जिसकी वजह से जो है वो उसको छुपाना चाहते हैं, तो इस तरह का चश्मे से वो आप बाहर से कोई उनकी आंख नहीं देख पाएगा लेकिन उनको अंदर से सब कुछ दिखाई देगा। तो ये भी अलग अलग तरीके से हो सकता है। अब आखिरी बात कि बच्चों के चश्मे को कैसे उनका लाइफ बड़ा किया जाए। तो लाइफ बड़ा करने के लिए बहुत जरूरी है कि उनको ढंग से हैंडल कैसे करना है ये सिखाना है। कई बार एडल्ट्स को भी नहीं पता होता, तो उसके लिए सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है कि माँ के दुपट्टे से, माँ के आंचल से, शर्ट से, तौलिया से इनसे चश्मा नहीं पोछें। आपको चश्मा पोछने के लिए जो चश्मे के साथ कपड़ा दिया जाता है, जिसको माइक्रो फाइबर क्लोथ बोलते हैं, उसी से साफ करना है। रोज सुबह नहाते समय शैम्पू और पानी से आप अपना चश्मा का फ्रेम और शीशा अच्छे से साफ कर लीजिए, उसको थोड़ा सूखने दीजिए, और उसके बाद माइक्रो फाइबर क्लोथ से उसको साफ कर लीजिए। दूसरा, चश्मा उतारते समय हमेशा दोनों हाथ का प्रयोग करें, एक हाथ से चश्मा नहीं निकालें और टूटने का खतरा होता है। तीसरी बात, रात को सोते समय अच्छे से उसको उसके डब्बे में रख के सोएं, साथ में बिस्तर में तकिए के बगल में रख के नहीं सोएं, उससे टूटने का खतरा होता है। इस तरीके से आप अपने चश्मे का लाइफ को बढ़ा सकते हैं। इन चश्मे की कमी यानी रिफ्रैक्टिव एरर के अलावा कुछ बीमारियां और हैं जो हमारे स्कूल जाने वाले बच्चों में होती हैं। वो है स्क्विंट यानी कि भैंगापन, एम्ब्लायोपिया यानी कि लेजी आईज, बहुत सारे कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स यानी कि पैदाइशी बीमारियां जो कि एक रूटीन टेस्ट से ही पता लगेगा, और विटामिन ए डिफिशियंसी बहुत कॉमन है। हमारे देश में काफी विटामिन ए डिफिशियंसी का प्रकोप है, जिसकी वजह से स्किन का प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम और आंखों का प्रॉब्लम होता है। यानी कि बाल झड़ना, स्किन बहुत ड्राई और सूखा होना, बार बार डायरिया होना, निमोनिया होना, ये सब विटामिन ए के लक्षण होते हैं। साथ में आंख में तो आंख फूट जाने का तक का खतरा इस विटामिन ए की कमी से है। और जो सबसे खतरनाक चीज है जो इस स्कूल जाने वाले बच्चों की उम्र में होती है, उसका नाम है रेटिनोब्लास्टोमा यानी कि रेटिना के ट्यूमर्स। ये 5 साल के छोटे बच्चों में होता है, और इसके अलावा और अन्य कारण है जो कि उतने कॉमन नहीं है पर इस उम्र में हो सकते हैं।
तो सबसे पहले इन सब बीमारियों, कोई भी बीमारी अचानक से प्रकट नहीं होती, वो धीरे धीरे बढ़ रही होती है, और कई बार खासकर आंख के पर्दे की बीमारी या इस तरह की बीमारियां वो एक उम्र तक ही ठीक हो सकती हैं, उसके आगे ठीक नहीं हो सकती। दूसरी बात की कोई भी बीमारी छोटे स्टेज में पकड़े जाने से उसका उपचार संभव है, फैल जाने से, बढ़ जाने से इलाज जो है बहुत सक्सेसफुल नहीं रहता है। इसके लिए आपने अपना आँख को चेक कराना है, तब भी कराना है जब आपको लगे कि बिल्कुल नॉर्मल है। इसके लिए क्या किया गया है कि कब कब चेक कराना है का एक रिकमेंडेड एग्जामिनेशन फ्रीक्वेंसी जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी और अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन ने जारी किया है। हम इंडिया में भी ऑल इंडिया ऑप्थेल्मिक सोसाइटी के लोग इसको फॉलो करते हैं, यानी कि सारे आँख के डॉक्टर देश और विदेश में इस रिकमेंडेशन को फॉलो करते हैं। इसमें क्या है कि अगर आपको कुछ भी सिम्टम्स नहीं है, मतलब आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, तब भी आपको 2 साल के अंदर अंदर एक बार आंख जरूर जांच करा लेनी चाहिए, और 3 से 5 साल में फिर एक बार जांच करा लेनी चाहिए, और 6 से 18 साल के बीच में आपने एक बार जांच करा लेनी चाहिए, और अगर कोई समस्या है तो फिर तो आपके डॉक्टर जैसा बताएंगे उस तरीके से उसको करना ही चाहिए। हम तरह तरह के स्कूलों में स्कूल आई हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि बच्चों को में होने वाली बहुत सारी समस्याओं को हम पहले ही पकड़ लें, अगर उनको चश्मे की कमी है तो हम उसी समय पूरा कर लें, और ताकि जब वो डेवलप होए उनकी आंखें तो वो संपूर्ण डेवलप हो, आधी अधूरी डेवलप ना हो, जिसकी वजह से बाद में भविष्य में उनको कोई कमी ना रह जाए। अब जैसे स्क्विंट में इस आंख में आप जैसा देख रहे हैं कि जो हमने फोटो लिया है कैमरे से फ्लैश ऑन करके, और उस कैमरे की फ्लैश की परछाई दाहिनी आंख में तो बिल्कुल सेंटर ऑफ आंख में है, लेकिन बाईं आंख में वो किनारे आ रही है, और जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि ये एक टेढ़ी होती हुई आंख है, यानी इनको एक भेंगापन है जिसमें बाईं आंख बाहर की तरफ जा रही है, और भेंगापन अलग अलग तरह का हो सकता है। जैसे ऊपर वाली एक आंख तो नॉर्मल आईज की फोटो है, उसके बगल में बाईं आंख जो है ऊपर की तरफ जा रही है, आप बीच का जो सेंटर में जो लाइट का रिफ्लेक्शन है उस पर ध्यान रखिए, तो बाईं आंख ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे में एक तरफ जो है आंख जो है अंदर की तरफ आ रही है, और एक तरफ जो है आंख बाहर की तरफ जा रही है, तो भेंगापन में आंख किधर भी जा सकती है, अंदर बाहर ऊपर नीचे किसी भी तरफ। अभी स्क्विंट का इलाज क्या है? स्क्विंट का इलाज जैसा मैंने बताया वो अलग अलग प्रकार का होता है, तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग इलाज हैं। किसी अधिकतर जो है चश्मा लगाने से ठीक हो जाते हैं, कुछ में हमको पैचिंग यानी कि अच्छी आंख को कवर करना होता है ताकि बच्चा बुरी आंख से देखे और वो आंख काम करते हुए मजबूत हो जाए और वो डेवलप कर जाए। तीसरा, कई बार हम आंख के एक्सरसाइजेस बताते हैं ताकि उससे जो है ये भेंगापन कुछ हद तक कंट्रोल हो, और कई बार सर्जरी करते हैं। कई बार सर्जरी सबसे पहला स्टेप होता है, कई बार चश्मा लगाना पहला स्टेप होता है, कई बार आंख का एक्सरसाइज पहला स्टेप होता है, तो ये आपके डॉक्टर ही बता पाएंगे कि आपको जिस तरह का स्क्विंट है उसके लिए कौन सा इलाज सबसे बेहतर है। जैसा कि आप देख सकते हैं चश्मा लगाने से ही इन बच्चों के आंख का भेंगापन जो है वो सीधा हो गया, तो ये अगर लगातार सही नंबर का चश्मा लगाएंगे तो हो सकता है कि ये पूरा रिकवर कर जाए और किसी भी सर्जरी की जरूरत ना पड़े। तो अगर आपको अपने घर में किसी पर शंका हो रही है कि नहीं इसकी आंख टेढ़ी है, तो एक बहुत सिंपल सा आपने काम करना है, आजकल सबके हाथ में स्मार्टफोन है, आपने फ्लैश ऑन करना है, उस बंदे की गर्दन को सीधा रखना है, उसको बोलना है सामने कैमरे की तरफ देखे, और आपने फ्लैश ऑन करके फोटो लेना है। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि आपके दोनों आंख के मध्य में इस तरह का लाइट का रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, और इस तरह के फोटोग्राफ्स लेते रहिए, और अगर आपको शंका लग रही है तो सारे फोटोग्राफ्स के साथ अपने आंख के डॉक्टर को मिलिए, वो आपको बताएंगे कि क्या इसका उपचार करना सही रहेगा। अगली जो बीमारी है उसका नाम है एम्ब्लायोपिया, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्रेन का वो हिस्सा डेवलप नहीं होता जिससे हम देखते हैं। ये बहुत ही गड़बड़ है, इसलिए क्योंकि 5-6 साल तक ये सारा ब्रेन और आंख का सर्किट बनना बंद हो जाता है, तो जब बंद हो जाएगा तो फिर इस बीमारी का कोई उपचार नहीं है, तो इसीलिए इसके उपचार के लिए बहुत जल्द से जल्द हमारे पास जब मरीज आ जाते हैं तभी संभव होता है। तो इसीलिए आजकल 4 साल की उम्र तक एक बार आंख की जांच जरूर हो जानी चाहिए, ताकि अगर एम्ब्लायोपिया है तो उसी समय से उपचार शुरू हो जाए, तो 6 साल 8 साल तक होते होते बच्चे रिकवर कर जाएं।
जैसा आप मैंने आपको बताया कि आंख से सारा इन्फॉर्मेशन ब्रेन को जाता है और एम्ब्लायोपिया में ब्रेन का हिस्सा ही डेवलप नहीं होता जिससे हमको दिखाई देना है, और वो हिस्सा अगर हम उस आंख से ही देखें तो डेवलप होने का चांस होता है। इसीलिए इस बीमारी में अच्छी आंख में पट्टी लगा दी जाती है। दिन में 2 घंटे 3 घंटे आपको डॉक्टर बताएंगे कितने घंटे पट्टी लगानी है। वो पट्टी लगाने की वजह से आपकी बुरी आंख देखेगी, काम करेगी और वो धीरे धीरे रिकवर कर जाएगी। तो जैसा मैं आपको बता ही चुका अधिकतर बातें कि एम्ब्लायोपिया में चश्मा लगाना, आंख को पैच करना, कई बार हम कुछ ड्रॉप्स देते हैं वो डालना, और या ऑपरेशन, ये सारा या इनका कॉम्बिनेशन करके हम उपचार करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी जो बात है कि आप समय पर आएं। 4 साल के आसपास आने से काफी रिकवरी का चांसेस होता है। 1 बार 8 साल की उम्र निकल जाएगी फिर रिकवरी का चांस बहुत कम होता है। इस तरह से बच्चों को पैचिंग दिया जाता है, वो अपना दिन में 2-3 घंटे इस तरह का पैच लगा के अपना होमवर्क करते हैं, टीवी देखते हैं, खेलते हैं, तो इससे आंखों का विकास हो जाता है, ब्रेन का उस हिस्से का विकास हो जाता है जिससे हमको कम दिखाई दे रहा है। अब जो अगली बीमारी है वो है विटामिन ए डिफिशियंसी। हमारे देश में बहुत कॉमन है। इसमें क्या है, जैसा आप इस आंख में देख रहे हैं झुर्रियां सी पड़ी हुई दिख रही है सफेद वाले हिस्से पर, ये आंख का सूखापन है। यह सबसे स्टेज 1 है विटामिन ए डिफिशियंसी का, जिसमें आंख के सफेद हिस्से में झुर्रियां जैसी दिखती है, वो सूखी दिखती है। अगले स्टेज में क्या होता है, इस तरह का एक सफेद पैच जैसा बनने लगता है जिसको हम बिटॉट स्पॉट कहते हैं। उसके अगले हिस्से में ये जो आंख के आगे की सफेद पुतली है जिसको आप काली पुतली भी कह सकते हो, उसके ऊपर जो है दाग बनने लगता है, वो सूखा होने लगता है और फाइनली वो गल जाता है, गल के कई बार फूट जाता है। फूट जाने के बाद अगर तो आंख बच गई तो उसके ऊपर माड़ा बन जाता है, यानी कि कॉर्नियल ओपेसिटी हो जाती है। उस ओपेसिटी का एक ही उपचार होता है कि हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करें, यानी किसी की आंख, कोई आदमी मरता है अपनी आंख दान देता है, उसकी पुतली निकाल के इसमें लगाई जाए तभी दिखाई देगा, जबकि हम इसको आराम से बचा सकते हैं। विटामिन ए डिफिशियंसी का बहुत ही सरल उपाय है, अपने खाने पीने में विटामिन ए से रिच फूड्स लीजिए, जैसे जितने भी पीले गूदे वाले फल और सब्जियां हैं जिनका गूदा पीला है, जैसे पपीता, जैसे आम, जैसे आड़ू, जैसे गाजर, जैसे टमाटर, इनको ज्यादा खाना है। हरी सब्जियां ज्यादा खानी है, इनमें विटामिन ए ज्यादा होता है। साथ में पेट में होने वाले कीड़े जो हैं कई बार आपके बच्चों के विटामिन ए को खा जाते हैं और उनके शरीर तक नहीं पहुंचने देते। बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, आजकल ये ओपन एयर डिफिकेशन के बारे में बहुत प्रोग्राम चल रहा है स्वस्थ भारत के बारे में। स्वस्थ भारत के प्रोग्राम के कारण से बहुत जगह टॉयलेट्स बन गए हैं, नहीं तो लोग पहले खुले में जाते थे, उसी मिट्टी में आपकी सब्जी भी होती थी, उसी मिट्टी में उसी खेत में आपकी सब्जियां उग रही हैं, वो सब्जियों में ये कीटाणु रहते थे, आप घर आए आपने कच्चा खा लिया आपके पेट में चला गया, और इस तरीके से ये कीटाणु जो है आपकी पेट में रहता है और आपको तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित करता है, विटामिन ए डिफिशियंसी जिसमें से एक है। तो इसलिए अपने बच्चों के डॉक्टर को मिलें। 10 अगस्त कृमि दिवस है, यानी कि इस कीटाणु को मारने का दिवस है, उस दिन आपको एक गोली दी जाती है, 6 महीने में 1 बार वो गोली खाने से आप इस कीटाणु से बचे रह सकते हैं। तो अपने निकट के डॉक्टर, बच्चे के डॉक्टर से मिलें और इस दवाई को अपने बच्चे को जरूर खिलवाएं, साथ में विटामिन ए की गोलियां भी दिलवाएं, ताकि आंख में होने वाली, लंग्स में होने वाली, पेट में होने वाली और स्किन, बाल पर होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। ये जो आप अपने स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं ये बहुत ही खतरनाक बीमारी के लक्षण है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। इन तीनों बच्चों में, आजकल सबके हाथ में फोन है, आप बच्चों की फोटो लेते हैं, अगर आपको इस तरह का सफेद रिफ्लेक्शन दिख रहा है तो बहुत ही सावधान हो जाइए। ये 5 साल के छोटे के बच्चों में रेटिनोब्लास्टोमा, यानी कि आंख का एक तरह का कैंसर है, उसका यह लक्षण है, बहुत ही कॉमन है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता या नहीं हो रहा है, काफी कॉमन है। इसलिए ऐसा होने पर तो बिल्कुल देर नहीं करना है, तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है। रेटिनोब्लास्टोमा नामक बीमारी में ये ऐसा होने का चांस होता है, अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं अगर आपको सफेद पुतली यानी ल्यूकोकोरिया दिख रहा है तो। आखिरी जो हम बात करने जा रहे हैं वो है रेड आई के बारे में। रेड आई यानी आंख का लाल होना तरह तरह के बीमारियों में होता है, कोई एक कारण से नहीं होता, इसलिए कभी भी एक ही दवाई को बार बार आपने हर लाल आंख में नहीं डालना है। आंख लाल होने के मुख्यतः 3 कारण होते हैं। एक होता है बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस, यानी कि
जिसमें आंख चिपचिपी हो जाती है, चिपक जाती है, सुबह उठने पे चिपकी रहती है, बहुत कीचड़ आता है, वो होता है बैक्टीरियल, यानी एक तरह का बैक्टीरिया जो है आपकी आंख में इन्फेक्ट कर गया और ये इन्फेक्शन की वजह से आपकी आंख लाल हो रही है। तो इसमें तो हम एंटी बैक्टीरियल दवाई देते हैं जिससे वो बैक्टीरिया मरे और आपकी आंख ठीक हो। दूसरा होता है वायरल कंजंक्टिवाइटिस, इसमें जो विषाणु है वो वायरस है और यह वायरस जो है ये थोड़ा इसको खत्म करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो कई बार 5-7 दिन लग जाते हैं ये इस आंख को ठीक होने में। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि इसके लिए जो जरूरी दवाई है वो चले। और जो तीसरी है वो है एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, मौसम बदलने पर बच्चों की आंख का लाल होना, हर साल इस तरह से होना, ये एलर्जी के लक्षण है। इसमें खुजली होना प्रमुख लक्षण है कि आंख में खुजली बहुत होती है, खुजली के साथ साथ नाक में खुजली, नाक से पानी आना, स्किन में खुजली, ये भी इनके साथ कई बार एसोसिएटेड होता है। तो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस इसकी दवाई अलग है। तो जैसा आपने देखा कि आंख लाल होने के 3 लक्षण तो जो कॉमन है वो अलग ही है और तीनों की दवाइयां बिल्कुल अलग है। तो अपने आप से या आपके दवाई के दुकान से जाके अपने आप से दवाई लेके नहीं डालिए, उससे आंख में नुकसान होने का चांस है। ये अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हैं जो कर सकते हैं, ये अलग अलग तरह के वायरस हैं जो कर सकते हैं, ये कॉमन एलर्जेंस हैं जिनकी वजह से आंखों में या स्किन में एलर्जी होती है। आपके घर में पालतू बिल्ली या कुत्ते हैं, उनके बाल से हो सकता है, कई बार ये दूध और नट्स अंडों की वजह से हो जाता है, ये जो फूलों के परागकण हैं उनकी वजह से, ये इसके बीज के काटने से, डस्ट और पोल्यूशन की वजह से तो सबसे कॉमन है, और बहुत सारे केमिकल्स दवाइयों इनकी वजह से भी आंखों में या स्किन में एलर्जी होने का खतरा है। एलर्जी के सिम्टम्स मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिए, एस्थमा होना, नाक से खुजली पानी आना, स्किन में खुजली होना और आंखों का लाल होना है। और ये तरह तरह की चीजें हैं जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है। आपको एलर्जी में सबसे पहले क्या करना है, केयरफुल ऑब्जर्वेशन से यह पता लगाने की कोशिश करना है कि किस वजह से मुझे ये आंख में बार बार लाली हो रही है। क्या वो शैम्पू है कि जिस दिन मैं वो शैम्पू यूज करती हूँ उस दिन हो जाता है, या ये डस्ट है कि मैं जिस दिन बाहर गया उस दिन हो जाता है। तो ये आप धीरे धीरे जैसे ही इसके बारे में आपको एक अंदाज लगने लगे आपने उस चीज से बचने की कोशिश करना है, तो उसकी वजह से आपको ये कम होने लगेगा। और 4 चीजें जो कि बहुत जरूरी हैं वो है कि आप एक अल्ट्रा वायलेट 400 प्रोटेक्टेड ग्लासेस हमेशा लगाएं, बिकॉज सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणें एलर्जी को बढ़ावा देती हैं। दूसरा, आंख में इस तरह से बच्चों को काजल नहीं लगाएं, उससे भी एलर्जी होने का बहुत खतरा होता है। आंख मलने से रोकें, खुद भी ना मलें अगर खुद को एलर्जी हो रही है तो, क्योंकि ये मैकेनिकल रबिंग से मलने से आंख में एलर्जी जो है बढ़ती है। और जो 4थी बात है, ठंडे पानी से आंख धुलें, जब भी आप बाहर से घर आए ठंडे पानी से आंख धुलें ताकि जो भी गंदगी आंख में गई है वो निकल जाए, साथ में ये जो ठंडक है ये एलर्जी को कम करती है। आखिरी बात, स्टीरॉइड्स बोल के कुछ दवाइयां होती हैं जो कि हम सूजन कम करने के लिए देते हैं। वह सूजन कम हम ऑपरेशन के बाद करना चाहते हैं या बहुत सारी बीमारियों में करना चाहते हैं, वो एलर्जी की दवाइयों में भी हम देते हैं। लेकिन जब भी आप स्टीरॉइड्स का प्रयोग करें कृपया उसको अपने आंखों के डॉक्टर के निर्देश पे ही करें, अपने आप से नहीं करें। और ये 4-5 दवाइयां हैं जो आंखों में स्टीरॉइड्स के फॉर्म में हैं, इनके ऊपर ध्यान रखें। ये इतने तरह के नामों से बिक रही हैं, इससे भी ज़्यादा है, और इनकी वजह से आंखों में तरह तरह के नुकसान हो सकते हैं। स्टीरॉइड का आंखों पे बहुत तरह का नुकसान है अगर आपने अपने मर्जी से लंबे समय तक या गलत बीमारी गलत लाली में डाल लिया तो आप अंधे भी हो सकते हैं। आंखों में होने वाला ऑकुलर साइड इफेक्ट्स इस तरह का है, आप उसमें मोतियाबिंद होने का, काला मोतियाबिंद होने का, इन्फेक्शन होने का, आंखों का घाव जो ठीक ना हो उस तरह का होने का संभावना हो जाता है, आंखें गलने की संभावना हो जाती है, पलक गिरने का संभावना हो जाता है। इसलिए स्टीरॉइड नामक दवाई का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही करें। बहुत बहुत थैंक यू। आप इन सब सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आपके जो भी सवाल होंगे मैं उनका जवाब दे पाऊंगा। पर हाँ, मैं इन सब माध्यम से इलाज नहीं करता हूँ। इलाज अगर कराना होगा तो अपने किसी निकट के डॉक्टर को एक बार दिखा के ही इलाज कराएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं वो मैं आंसर कर सकता हूं, पर इलाज के लिए कृपया इस पर संपर्क न करें। आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं, मैं बनारस में आंखों का हॉस्पिटल एक देख रहा हूं, अगर आप चाहेंगे तो वहां आकर आप दिखा सकते हैं। सवाल मैं किसी भी तरह का आपका बहुत खुशी से उसका जवाब देना चाहूँगा, और वह बिल्कुल मुफ्त है,
क्योंकि ये मेरा शौक है कि हेल्थ एजुकेशन जन जन तक पहुंचे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ज्यादा मरीज हमारे पास आए, हम चाहते हैं कि आप छोटी छोटी चीजों को पालन करके वैसे ही स्वस्थ रहें, डॉक्टर की जरूरत आपको कम से कम पड़े। इसी के साथ मैं इस टॉपिक पर अपने इस बात को खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ कि आपके बच्चों की आंखें स्वस्थ रहेंगी।